Hello guys, this is Lifestealer here. Today I'm going to demonstrate you my mic setup, my helmet setup, my GoPro setup, my blogging setup. So guys, this video is all about my 1 year of experience, and with all the jugaad and with all the experiment, I got the best blogging setup for our Indian condition. And today I'm going to tell you just that which mic I use, how I mounted my GoPro, and how I use my helmet, and how actually I blog. So guys, let's go get started. So guys, ये है मेरा हीरो GoPro 4 सिल्वर एडिशन, एंड ये जो हेलमेट है ये HSE का हेलमेट है. आई गेस आई बॉट इट फॉर अराउंड 8000 रुपीज़. और ये बोया का माइक है गाइस. एक्चुअली मैंने लगभग 5 माइक्स यूज़ किए बिफोर दिस. दिस इज़ अ बाई डायरेक्शनल माइक, मीन्स इसके पहले जो भी माइक यूज़ किए वो सब मोनो आते थे. तो मीन्स वन साइड राइट हैंड ईयर प्लग में ही आवाज़ आता था, तो मुझे सॉफ्टवेयर में जाके एडिट करना पड़ता था टूवर्ड्स लेफ्ट, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी और बहुत टाइम भी लगता था. तो ये जो बोया का माइक है ये बहुत यूज़फुल है. आई बॉट इट फ्रॉम बोरा बाज़ार मुंबई. एंड ये जो कुशन है ये डस्ट के लिए है, कि डस्ट अंदर नहीं जाए माइक के अंदर. ये ओपन केसिंग, और इसका ये जो है दिस इज अ सेटअप. सो ये है पूरा सेटअप. यहाँ पे जाता है अपना माइक, ये है चार्जिंग के लिए, नहीं सॉरी ये है HDMI के लिए, ये है चार्जिंग के लिए सेम पोर्ट, एंड 64GB का मेरा क्लास 10 मेमोरी कार्ड. गाइज, मेमोरी कार्ड के भी बारे में बताना चाहूँगा, अगर आप नॉर्मल मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो तो उससे थोड़ा आपको प्रॉब्लम मिल सकता है हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग के टाइम. ये है मेरा 64GB माइक्रो SD कार्ड विथ 566X जो इसका स्पीड है, जो टॉप ऑफ द लाइन स्पीड है. तो इससे मैं कितने भी मतलब 1080p एंड अप टू 4K भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ. अगर आपका मेमोरी कार्ड क्लास 4 या क्लास 10 का भी अगर लोअर रेटिंग का है तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में तकलीफ हो सकती है. आपके जो वीडियोस है अगर वो आप हाई डेफिनेशन पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, आपका वीडियो लैगी हो सकता है. ओके, तो ये हो गया GoPro 4 के बारे में और मेमोरी कार्ड के बारे में, एंड ऑल्सो विथ माइक. ये जो बोया का माइक है ये एक्चुअली 2S में आता है, यहाँ पर कन्वर्टर है. एक सेकेंड, इसको निकाल के फिर आपको बताता हूँ. ओके, तो ये जो है यहाँ पर कन्वर्टर है जिसे मैंने 3M सील से पैक कर दिया है, कॉज इसमें से कुछ एयर पास होता था तो उससे थोड़ा आवाज़ आता था माइक में. सो दिस इज़ बोया माइक. ये मैंने सेकेंड लिया है कॉज अगर मुझे कहाँ पे भी ब्लॉगिंग करना हो, GoPro यहाँ से हेलमेट से निकाल के ट्राईपॉड में लगा के ये माइक यूज़ कर लेता हो, क्योंकि ये तो मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिया है. सो दिस इज़ द सेकेंड माइक. ये है कन्वर्टर इसका, जो कि GoPro में जाता है. और ये है माइक पूरा, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा सही माइक है ये. मैं तो सबको यही रेकमेंड करूँगा लेने के लिए. बोया, व्हाट इज़ दिस, BYLM 20, कुछ 1000 रुपीज़ में आता है बोरा बाज़ार में. यहाँ पे कुछ प्राइसिंग कुछ दिख तो नहीं रही है, बट ठीक है चलो. तो ये हो गया माइक का कंप्लीट साइड बाय साइड. और नाउ अभी इनसाइड, तो ये जो है, सो दिस वायर पूरा हेलमेट में से जाके यहाँ पे उसका माइक है. दिस, सो दिस इज़ द माइक फॉर माय GoPro. एक्चुअली ये जो माइक है छोटा वाला, ये ऐसा, ये माइक मैंने इधर कुशन के अंदर डाल दिया है सो दैट वो मूव नहीं करे, बिकॉज ये जो वायर है ये वायर ऐसे फ्लेक्सिबल है, तो वो मूव करता था मतलब यहाँ पे गिर जाता था. तो फाइनली यहाँ पे मैंने एक पूरा स्टिक कर दिया है. दिस इज़ द माइक गाइज, जिसको मैंने स्टिक कर दिया विथ 3M टेप. यहाँ पे नीचे 3M टेप लगाया, ऊपर से अपना जो स्पंज है वो डाल दिया, और ये हो गया, सेट हो गया पूरा एकदम. मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंड नॉइज़ भी नहीं आता कॉज ऑफ वो, उसका तो खुद का कुशन है ही और ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा कुशन डाला है तो वो तो सॉर्ट आउट हो जाता है. और ये जो माइक है गाइज, ये मेरा एक्चुअली जो इंटरकॉम है उसका माइक है. और इसके जो स्पीकर्स है वो यहाँ पे है. एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ. यार ये वन हैंड से करना बहुत डिफ़िकल्ट है यार.
या ओके या तो ये है स्पीकर्स जो मेरे इंटरकॉम के स्पीकर्स हैं जो कि अच्छे से इसके अंदर चले जाते हैं। एल साइज HJC का हेलमेट है। एक्चुअली थोड़ा टाइट ही लिया था बिकॉज बाद में वो लूज़ हो जाता है, बट यार ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ये हेलमेट के साथ, नहीं तो मैंने जो पहले के हेलमेट थे वो लूज़ हो जाते थे आफ्टर यूज़, बट इसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये है मेरा चाइनीज़ इंटरकॉम, चाइनीज़ ही है बट अच्छे से काम तो करता है। सो ये कंपनी का है, और जो ऑरेंज वाला है उससे इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा है। जो मोस्ट ऑफ अपने पीपल ले रहे हैं ऑरेंज वाला इंटरकॉम तो उससे तो अच्छा ही है। इसका शायद से रिव्यू बनाऊँ नहीं बनाऊँ पता नहीं, बट यूज़फुल है। ये जो है ये कुछ ऐसे बॉक्स में आता है, टीकॉम SC हेलमेट इंटरकॉम हेडसेट, जो कि मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाया था कुछ 3,200 रुपीज़ में। तो बहुत ईजी है लगाने के लिए। जस्ट ये जो है यहाँ पे स्क्रूस है, इसके अंदर एक पोर्शन जाता है और स्क्रू से टाइट टेन करना है, दैट्स इट। और ये ऊपर लग जाता है, तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग नहीं है। और सब वायर्स अंदर हेलमेट के। तो गाइज़ ये है मेरा पूरा टोटल माइक सेटअप, सोचा आपको बता दूँ जिसको भी मोटो ब्लॉगिंग में आना है या फिर जो भी सोचते हैं हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए। ये था मेरा छोटा सा वीडियो। गाइज़ बहुत सारे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं, शायद से राइडिंग जैकेट का भी वीडियो बहुत जन बोल रहे हैं, वो भी करना तो है बट अभी पता नहीं कभी करूँगा। तो ओके गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग कीप सब्सक्राइबिंग, बाय बाय।